अगर आप अपने लीवर को दो टुकड़ों में बीच से चाकू से काट के फेंक दो तो इस टुकड़े से भी एक नया लीवर बन जाएगा, इस टुकड़े से भी एक नया लीवर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि लीवर की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है। जी हाँ, लीवर ऐसा ऑर्गन है जो कि रीजनरेट हो सकता है, जो अपने आप वापस से रीजनरेट हो सकता है। लेकिन रीजनरेट होने के लिए आपके जो लीवर की सेल्स है वो हेल्दी होनी चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ, मिनिमम आपके लीवर के अंदर 25 से 30% सेल्स होनी चाहिए जो कि हेल्दी हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ लीवर का, लीवर को हम टुकड़ों में डोनेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लीवर के अंदर सबसे ज्यादा रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है, यकृत के अंदर सबसे ज्यादा वापस से निर्माण करने की क्षमता होती है। इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है कि अप्रोक्स 15 से 20 दिन के अंदर या 2-2.5 वीक के अंदर आपका लीवर वापस से 100% लीवर वापस आपका बन के तैयार हो जाता है। इसीलिए हम लीवर को टुकड़ों में भी डोनेट कर सकते हैं। है ना, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है अपने बॉडी के बारे में। हो सकता है कि आप लोगों ने पहले भी ये सुना हुआ हो फैक्ट, अगर नहीं सुना हुआ